मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने किसे बनाया है मुख्यमंत्री? देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी किसान परिवार से आए विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लेना बीजेपी के लिए फिर थोड़ा आसान रहा होगा, पर मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लाडली बहना जैसी स्कीम प्रदेश में लागू की हो, वहां उन्हें छोड़ के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना आसान फैसला नहीं था, पर बीजेपी ने ये किया। खास बात यह है कि मोहन यादव बीएससी, एलएलबी और पीएचडी हैं, और उनके इसी नॉलेज को देखते हुए साल 2020 में शिवराज सिंह चौहान ने ही उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया था। राजस्थान के हालात तो इससे भी बदतर हैं। वहाँ वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ी पड़ी हैं, पर बीजेपी को वहाँ शायद कोई नया चेहरा चाहिए, कोई ऐसा कर्मठ मुख्यमंत्री जो प्रदेश की काया पलट कर सके और बीजेपी को वहाँ लोकसभा में फायदा दिलवा सके। पर वसुंधरा को दरकिनार करके वहाँ किसी और को मुख्यमंत्री बनाना खांडे की धार है। ये कड़ा फैसला लेने से पहले बीजेपी को 100 बार सोचना पड़ रहा है। इसी वजह से राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। डर ये भी है कि कहीं वहाँ पर बगावत ना हो जाए। पर आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कौन बनेगा मोदी का सिपहसालार? गाय के गोबर से रॉकेट उड़ाए जाएंगे? छोक गए ना। लेकिन जापान की एक स्पेस एजेंसी ने गोबर से बनाए गए बायोमिथेन को रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करके प्रोटोटाइप टेस्ट किया है। इससे पहले तक लिक्विड हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जापान की इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी कंपनी का ये कहना है कि बायोमिथेन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला फ्यूल है और इसकी प्योरिटी की वजह से प्रदूषण भी कम होता है। कंपनी का ये मानना है कि आने वाले दिनों में रॉकेट लॉन्च करने के लिए बायोमिथेन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बाकी फ्यूल के मुकाबले यही सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि यूएन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा गायें भारत में पाई जाती हैं, और भारत में गाय के गोबर को खाद के तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पर अब आने वाले दिनों में गोबर से बनाए गए बायोमिथेन की मदद से भारत के रॉकेट भी अपनी उड़ान भर सकते हैं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपने कभी खून के प्यासे तोते देखे? मीठे फल खाकर मीठी मीठी बातें करने वाले तोते शायद आपने सभी ने देखे होंगे, कई लोगों ने तो पाल भी रखे होंगे। लेकिन न्यू गिनी के जंगलों में ऐसे तोते पाए जाते हैं जो बिल्कुल खून पीने वाले ड्रैकुला जैसे दिखते हैं। उन्हें देखकर अच्छे अच्छों की फट जाती है। किसी खूंखार गिद्ध की तरह दिखने वाले ड्रैकुला तोते जंगल में उदम मचाने के लिए जाने जाते हैं, और वो सिर्फ अंजीर ही खाते हैं। ऊंचे पेड़ों में अपना घोंसला बनाकर रहने वाले इन तोतों की चोंच भी किसी गिद्ध की तरह ही शार्प होती है। 40 सेंटीमीटर लंबे और लगभग 700 ग्राम वजन वाले ये तोते 20 से 40 सालों तक जिंदा रहते हैं। और खास बात यह है कि बाकी तोतों की तरह ये मीठी बातें नहीं करते, बल्कि कठोर और कर्कश आवाज से चीखते हैं, जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैकुला तोते के पंख काफी बेश कीमती होते हैं और ब्लैक मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं, इसलिए ड्रैकुला तोते अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। गाइस, क्या आपने कभी ड्रैकुला तोते देखे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को लेके हमेशा विवादित रुख रखने वाली बीबीसी अब शायद ये मोदी और कश्मीर विरोधी काम करना बंद कर दे, क्योंकि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बाद अब ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी बीबीसी में भी भारतीय मूल के समीर शाह को चेयरमैन पद पर नियुक्त कर दिया गया है। कौन है समीर शाह, चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जन्मे समीर शाह साल 1960 में ही इंग्लैंड जाके बस गए थे। टीवी प्रोडक्शन और जर्नलिज्म में 40 सालों का अनुभव रखने वाले समीर शाह ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार के सबसे पसंदीदा कैंडिडेट हैं। समीर शाह ने साल 2007 से लेकर 2010 के बीच बीबीसी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम भी किया है। साथ ही उन्होंने साल 2021 में सरकार की नस्लीय और जातीय असमानता आयोग की रिपोर्ट पर भी काम किया है। गाइस, ब्रिटेन में पहली बार कोई पत्रकार और वो भी भारतीय बीबीसी का चेयरमैन बना है, और ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक और समीर शाह अब ब्रिटेन सरकार के दो मजबूत स्तंभ बन गए हैं। एक देश संभालता है और दूसरा मीडिया।